नमस्कार दोस्तों, आज एक पेपर सॉल्व करके देखेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको समझाते चलूं, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगा कि मैं किस तरीके से सॉल्व करता अगर एग्जाम में होता, वो चीज़ को मैं समझा पाऊं। एनीवेज, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो बिल्कुल आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। SFY आशीष करके आप मुझे ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम में, आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन आपको DI दे दिया है, कहीं ना कहीं आपको ये माइंड हर्ट करने वाले क्वेश्चन है, बट एनीवेज क्वेश्चन को आपको ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है। आपके पास चारा नहीं बनता है, जब जहाँ पे कट ऑफ 78 जाता है, 79 जाता है, आप वहीं पे पांच क्वेश्चन छोड़ दें तो फिर आप तो ऐसे ही आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो जाते हो। तो एनीवेज, देर आर थ्री कंपनीज ABC सोल्ड लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स। सो हमें काम करते हैं ए बी। मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा, ट्राई करूंगा कि मैं फटाफट मोड में ना करूं, बट ऐसा है कि लोगों का डिमांड ये है कि सर आप समझाएं भी और बताएं भी, है ना। डेस्कटॉप है और एक लैपटॉप है। सॉलिड डेटा आपको ढूंढना है। यहां पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड इन कंपनी बी कितना है, 240 है। तो एक काम करता हूं, 240 यहां पे लिख लेता हूं। फिर बोल रहा है कि ये 20% मोर देन दी नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स सेम कंपनी का है। That means ये कहीं ना कहीं कितना है, 120% है। सो 1% 2 होगा, 100% कितना होगा, 200 होगा। सो इसमें टोटल कितना आ रहा है दोस्तों, इसमें टोटल आ रहा है 440। अब नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन कंपनी ए कितना बता रहा है, 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ इन बी, यानी टोटल ए में कितना होगा, 220 हो जाएगा। नंबर ऑफ डेस्कटॉप ए में कितना होगा, हाफ नंबर ऑफ लैपटॉप बी का, यानी ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। बात समझ में आई। नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप्स ए का, दैट इज मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, शायद मैंने गलत कर दिया, ये 120 है ना, बिकॉज ये बोल रहा है हाफ द नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन बी, दैट इज डेस्कटॉप। नहीं, सही है, सही है, हम सही जा रहे हैं दोस्तों, शायद मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, नहीं हम सही हैं, माफी चाहता हूं, मैं सही है हम लोग। एनीवेज, यहां पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ लैपटॉप्स ए में, ओके, टू दैट ऑफ डेस्कटॉप सी में कितना है, 25:27 है। मुझे बताओ अगर ये 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा, बिकॉज दोनों मिला के 220 हो रहा है। सो ये जो रेशियो है लैपटॉप का ए का रेशियो, दैट इज 100 बराबर कितना, 25, 1 बराबर 4, तो 27 बराबर 108, कौन सा, डेस्कटॉप सी का। सो ये 108 हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहां पे एक चीज आपको दिया था कि सी में 28 लेस है, क्या लैपटॉप 28 लेस है किससे, डेस्कटॉप बी का, यानी इससे 28 कम कर लो, 172, तो टोटल मिलकर कितना हो रहा है दोस्तों, 280 हो रहा है। बात समझ में आई। तो हमारे पास डेटा बन चुका है और इस तरीके के चिल्लर DI ही आते हैं क्वेश्चंस। सो कोट मत करिएगा मुझे कि सर आप इतने इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं, हम बिल्कुल एग्जाम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ही करा रहे हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन कंपनी ए कितना बिक्री हुआ है, 100 बिक्री हुआ है, आउट ऑफ, अच्छा, परसेंटेज मोर और लेस डेस्कटॉप इन बी कितना है, 200। सो 100 और 200 में कंपैरिजन करना, कितना लेस है, 100 ही लेस है आउट ऑफ 200, सो दैट इज इक्वल टू 50% लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे के सामने ये रहा, रेशियो पूछ रहा है किसका, नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड इन ऑल द कंपनीज, डेस्कटॉप कितना हो रहा है, ये 28 हो गया, ये 428 हो गया, टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम सी का, सी का टोटल आइटम कितना है, 280 है। सो ये 140 हो गया और ये कहीं ना कहीं ये काम करो ना, 70 से डायरेक्ट काटो, 107/170। सो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ए और सी का, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है 60 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन आपको घुमाने वाला मिलेगा जो कि ये वाला है, डी में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ डेस्कटॉप क्या है,
20% इज मोर देन दैट ऑफ कंपनी ए, यानी 120 है इसका 20% ज्यादा, यानी 24 ज्यादा, यानी कितना हो रहा है ये 144 हो रहा है। और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेस्कटॉप टू दैट ऑफ लैपटॉप ये कितना 2:3, यानी ये 2 है। सो ये कितना दिखाएगा मुझे, 72 दिखाएगा। और टोटल आइटम कितना है दोस्तों, 2:3, दैट इज 5 आइटम्स, सो 5 × 72 कितना हो जाएगा, 360, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आपसे के सामने ये रहा। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, इफ 20% ऑफ द लैपटॉप सोल्ड इन कंपनी बी इज डिफेक्टिव, यानी 240 का 20% ऑफ डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितना होगा, 80% ऑफ 10% 24, 80% इज 22, 192, ऑप्शन नंबर ई। सिक्स्थ नंबर पे आते हैं, ये क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल 800 ओके इज इक्वल टू लॉस इनकॉर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज, अच्छा वी डोंट नो द सीपी, सो प्रॉफिट क्या होता है 800 माइनस सीपी एक्स, दैट इज इक्वल टू लॉस भी बोल रहा है कितना, लॉस क्या होता है एक्स माइनस 624। ऑब्वियस सी बात है कि हिसाब किताब करोगे तो 2x इज इक्वल टू 1424, सो x हैज टू बी 712। और मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो क्या दिया, 5:4, तो ये कहीं ना कहीं मुझे क्या दिखाता है, 4 दिखाता है, एक क्या दिखाएगा 712/4 और 5 क्या दिखाएगा दिस, सो दिस इज 178 × 5 एंड दैट इज द मार्क प्राइस, 500, 350, 850 और 40, 890, ऑप्शन नंबर बी। ए इज 20% लेस एफिशिएंसी देन बी एंड बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन सी, सो लेट अस डू वन थिंग, ए बी और सी, अगर सी मान लो 100 है तो बी कितना हो जाएगा 150, और ए 20% लेस है यानी 80% ऑफ 150 दैट इज 120, दिस इज एफिशिएंसी। सी ने अकेला काम आधा काम को 12 दिन में निपटा दिया, एफिशिएंसी क्या होता है कि एक दिन में कितना काम दैट इज 100, तो 12 दिन में कितना काम हो जाएगा 1200, और ये बोल रहा है कि 12 दिन में इसने आधा काम निपटाया दैट मींस 1200 आधा काम है, टोटल काम कितना है 2400, तो अगर तीनों लोग मिलकर काम करते तो कब निपटा देंगे, तो टोटल वर्क कितना आ गया यहां पे 2400, तीन लोग एक दिन में कितना काम करेंगे 370, सो इतना दिन में निपटा देंगे दैट इज इक्वल टू 240/37, 6 से जाएगा 6 से यार 22 दैट इज 18 दैट इज दिस इज 3, अच्छा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए एंड बी स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3000 और 5000 रेस्पेक्टिवली, अच्छा सो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए ने 3000 और बी ने 5000, एक्स मंथ के लिए और एक्स प्लस 4 मंथ के लिए, सो दिस इज इनटू एक्स एंड दिस इज इनटू एक्स प्लस 4, टोटल प्रॉफिट कितना था 2500, ए का शेयर कितना था 625, ए का शेयर अगर 625 था तो बी का शेयर कितना होगा 1825, है ना, टोटल प्रॉफिट 2500 का है, सो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, ये 000 कट जाएगा और ये तीन बार कटेगा, सो तीन ये 9 times हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5x + 20, सो एक्स इज इक्वल टू 5 months, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑब्टेंड, सम ऑफ 7000 पे 10% लगेगा कंपाउंडेड फॉर 36 months, 36 months मतलब 3 साल, 10% का मतलब क्या होता है, अगर प्रिंसिपल अगर 10 है तो 1/10 तो अमाउंट 11 होगा, ये 10 ये 11 अगले साल पे 10 और ये 11 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो यहां पे देखो 10000 का मीनिंग है कितना 7000, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा इनटू 7719317, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, टाइम टेकन बाय बोट 75 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा एंड 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम सेम बोल रहा है, दिस इज इक्वल टू, है ना, डिफरेंस बिटवीन द बोट एंड स्टील वाटर एंड दिस
दैट इज एक्स माइनस वाई इज गिवन टू यू इज 15, सो दिस इज 15, सो 15 ये तीन बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25. So what is the speed of the boat? Boat का speed मतलब x. So x is equal to इसको add करो 40/2, 20. Option number C. Next question पे आते हैं. Rahul travelled equal distances with speed 50, 60 and 75. Average speed बोल रहा है. बहुत easy है. 50, 60 और ये 75. ये मैं अपने method से कर रहा हूँ. Total LCM निकाल दो 300. और ये तुमको क्या दे देगा? डिस्टेंस दे देगा. और इसमें से क्या करो फिर 300 डिवाइड बाय दिस करो, ये 6 आएगा और ये 5 आएगा और ये 4 आएगा. तो टोटल डिस्टेंस इक्वल 300 और तीनों ने कवर किया है एंड दिस इज हाउ मच ऐड करो टोटल टाइम. ये टाइम दे रहा है तुमको 9 और ये 15, सो दिस हैज टू बी 60. ऑप्शन नंबर ए. ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 9.6 सेकंड. और ए ने क्रॉस किया एक पोल को 8 सेकंड में. लेंथ ऑफ ए एंड बी सेम है, ठीक है. तो पहले ए की बात कर लेते हैं. लेंथ तो सेम ही है तो एक्स ले लेते हैं लेंथ, तो ये भी एक्स हो जाएगा. ए का स्पीड मान लो वाई है ना. सो ए का स्पीड अगर वाई है, सो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट. सो आई कैन डू वन थिंग. टोटल डिस्टेंस कितना होगा एक पोल को अगर कोई कवर करता है तो? दैट इज द डिस्टेंस इटसेल्फ, दैट इज एक्स, है ना. 8 सेकंड में कवर किया, दिस इज टाइम इनटू स्पीड. स्पीड क्या हो जाएगा? 5/18, समझ में आ रहा है, इनटू वाई. गॉट इट और नॉट गॉट इट? सो यहां पे 4 बार काटो, ये 9 बार काटो, सो दिस हैज टू बी 9x is equal to 20y. अब यहां पे देखते हैं, A ने B को opposite direction में जो आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर उसको कवर किया. सो जब opposite direction में आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2x. दैट इज इक्वल टू व्हाट? opposite direction में आ रहे तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? एड हो जाएगा इनटू. अब मैं इसको 5/10 में कन्वर्ट करूंगा मीटर पर सेकंड में. और कितने टाइम में कवर कर रहा है? 9.6 सेकंड में, राइट. So this will be 96/10 भी तो लिख सकता हूं. ये 5 बार 2 बार, ये 48 बार, 16 बार और ये 6 बार, 3 बार और ये 8 बार, ये 4 बार. So 3x is equal to 4y plus 240. एक काम करते हैं, हमको x निकालना है ना, बोल रहे हैं ना ये लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालो. एक काम करते हैं, एक काम करते हैं. सो यहां से 3x क्या हो जाएगा दोस्तों? 20/3, है ना. नहीं, रहने दो. एक काम करते हैं, इसको 9x करो, दैट मींस 3 मल्टीप्लाई करो. कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं बॉस? दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई किया हूं मैं यहां पे, 20y आ जाएगा ये. ये इधर 8y is equal to 720, y is equal to 90, y is equal to 90 तो यहाँ पे डालो 9x is equal to 20 into 90, x is equal to 200. Next question पे आते हैं. A milkman has 60 liters of pure milk और water कितना है? 20 liters यहाँ पे दिया है. If he sold 24 liters of the mixture, अब ratio क्या होगा दोस्तों? 3:1, है ना. अब इसने क्या किया कि 24 लीटर्स को बेच दिया. जब बेचेगा 24 लीटर्स तो पूरा मिक्सचर को बेच रहा है, सो रेशियो तो वही आएगा 3:1, है ना. तो या तो आप ऐसा ही बोल सकते हो ये 60 है, ये 20 है. एंड देन ही रिप्लेस विद वाटर. अब क्या करता है? वाटर इसमें डाल देता है. मिल्क तो वही था, दैट मीन्स 3:2, मिल्क तो वही रहेगा, 3 ही रहेगा, है ना. व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर? अच्छा, इसको एक चीज कर सकते हो आप लोग. जो 24 लीटर आया आपने मिक्सचर को बेचा, दैट मींस मिल्क और वाटर कितना बेचा होगा? 3:1 के में बेचा होगा. 3:1 दैट मींस 4/24, 1/6, ये 18 लीटर बेचा होगा और ये 6 लीटर बेचा होगा. समझ में आया? तो पहले कितना था मिल्क? 60 था, 18 बेच दिया, है ना. वाटर कितना था? 20 था,
6 बेच दिया फिर 24 ऐड कर दिया, ये तो मेरा रेशियो है 42/14 और ये 8, सो दिस इज 21:19 ऑप्शन नंबर बी। क्या बोल रहा है, पाइप ए कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 आवर्स, बी इसको 15 घंटे में एम्प्टी करता है, दोनों कंप्लीटली काम कब निपटाएंगे, यानी दिस इज वेरी डैम इजी, 30 × 15/30+15 दैट इज 45, 10 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेशियो प्रेजेंट एजेस ऑफ सिनू एंड मीनू दैट इज 7:5, आफ्टर 8 ईयर्स क्या होता है, 8 साल के बाद क्या होता है, रेशियो कितना बन जाता है 9:7। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ सिनू एंड मनु आफ्टर 15 ईयर्स, एक चीज देखना रहता है कि एज के कंसेप्ट में दोनों का डिफरेंस जो होता है वो बराबर होना चाहिए, ये बराबर है तो कोई इशू नहीं है, तो ये कितना आ रहा है 7 से 9, 2 यूनिट बराबर 8 ईयर्स, 1 यूनिट बराबर 4 ईयर, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 28 और ये कितना हो जाएगा 20, राइट, तो ये 48 हो गया टोटल मिलके, प्लस 15 साल के बाद दोनों का क्या हो जाएगा 15 + 15 = 30 हो जाएगा, बाय 2 तो निकालना है 78/ दिस इज 39 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। द एवरेज वेट ऑफ 22 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी 22 स्टूडेंट्स का 40 है, क्लास टीचर को इंक्लूड कर दें तो एवरेज वेट क्या हो जाता है 2 kg बढ़ जाता है, यानी 23 का 42 हो जाता है, वेट ऑफ द क्लास कितना है, अच्छा तो ये 880 और ये 46/4 एंड दिस आई थिंक फिलिंग 966, सो ये कितना हो रहा है 86 ईयर्स, माइनस करोगे तो मिल जाएगा। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास है दिस मच, बॉयज और 24 क्लास गर्ल्स ने क्लास लेफ्ट कर दिया, रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स बिकम्स 3:2। मुझे ये बताओ कि ये अगर 4x था इसमें से 30 बॉय ने लीव किया, ये 3x था इसमें से 24 गर्ल्स ने लीव किया, इनका जो रेशियो कितना है 3:2 बता रहा है, इट्स वेरी इजी, मल्टीप्लाई करो क्रॉस x 72, 8x - 60, दिस x इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास कितना 3 × 12 = 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सुनील स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम इन, अच्छा लेट्स से हिज इनकम इज 100x, 60% वो क्या करता है एग्जामिनेशन फी में डाल दिया, 30% ऑफ द रिमेनिंग कितना बचता है 40, इसका 30% इस 12x क्या करता है फूड में खा लेता है, अब बचा कितना है 40x, ये कितना है, अच्छा 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन शॉपिंग, अब रिमेनिंग कितना है 72 48 24, राइट 60 + 12 व्हाट इज दैट 72 28 28 बचा है, 28 में फिर क्या करता है 50% रिमेनिंग क्या करता है शॉपिंग में खर्च कर लेता है, 28 का आधा दैट इज 14x, तो वो शॉपिंग में 28 बचा था ना, 14x क्या करता है शॉपिंग में खाली कर लेता है, और बाकी वो क्या करता है लेफ्ट दैट इज 2800, बाकी बचा कितना है 28x - 14x दैट इज इक्वल टू 2800, सो एक्स इज इक्वल टू 200। एजुकेशन फी में कितना खर्च करता है 60x, दैट हैज टू बी 12,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कितना बता रहा है 2 × 22/7 × r दैट इज इक्वल टू 88, सो ये 4 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, r हैज टू बी 14, राइट, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है दैट इज इक्वल टू 7/5 द साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये 2 बार कटेगा, a कितना आ रहा है 10 आ रहा है, हुज पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 40, दैट इज इक्वल टू 10 cm मोर देन द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, बट ये क्वेश्चन गलत है,
ट्रायंगल नहीं होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, उसके बिना नहीं निकाल सकते. सो दैट इज इक्वल टू 10 प्लस पेरीमीटर ऑफ है इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो 3L इज इक्वल टू 30, L इज इक्वल टू 10, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर होता है. सो रूट 3 बाय 4 इंटू 100, ये 25 बार कटेगा, 25 रूट 3, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ए बैग कंटेन थ्री डिफरेंट फ्रूट्स, सम एप्पल्स, एक्स एप्पल्स, 12 ऑरेंजेस, 6 बनानास. वन फ्रूट टेकन रेंडमली, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट फ्रूट एप्पल क्या 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 होगा, 1/4. एप्पल कितना है, एक्स है, आउट ऑफ टोटल कितना, 18 प्लस एक्स, 1/4 बोल रहा है. सो 4x इज इक्वल टू 18 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 6 एप्पल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिल जाएगा. आशा करता हूं कि आप लोग मुझे फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, आप अपने डाउट्स पूछेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नाइस. जय हिंद, जवाहर शबा के, टेक केयर एंड लव यू ऑल.